ओम शांति। 16/11/2023 के शिव बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। क्वेश्चन, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? आंसर, सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। दुनिया में मनुष्य गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। परंतु किसके लिए गाते हैं यह नहीं जानते। यह भी वंडरफुल बात है, गाना और ना जानना तो भावे कहते वंडरफुल बात है। सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बरोबर ये माता पिता कौन हैं? ये परम धाम का रहवासी, परम धाम एक ही है, सतयुग को परम धाम नहीं कहा जाता। सतयुग में तो यहाँ, सतयुग तो यहाँ होता है ना, धरती पर होता है। परम धाम ऊपर, परे ते परे, निर्माण धाम वाणी से परे को परम धाम कहा जाता है। तो बाबा बता रहे हैं परम धाम में रहने वाले तो सब हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम निर्माण देश से आती हैं। इस साकार सृष्टि में स्वर्ग कोई ऊपर में नहीं है। आते तो तुम भी परम धाम से हो। तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं। कितने जन्म लेते हैं, कैसे पाठ बजाते हैं, यह अब जानते हैं। वह है दूर देश का रहने वाला, आया देश पराया। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में आते हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप की स्थापन की हुई स्वर्ग में आते हो, फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती हैं, फिर बाप आकर के एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हों। अब सब मिलकर एक हों ये कैसे हो सकता? 5,000 वर्ष पहले भारत में एक गवर्नमेंट थी, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, लक्ष्मी नारायण थे। विश्व में राज्य करने वाली और कोई अथॉरिटी है ही नहीं, एक अथॉरिटी थी लक्ष्मी नारायण, वही विश्व में राज्य करते थे। ये सब धर्म, यह धर्म एक धर्म में आ ही नहीं सकते। स्वर्ग में एक ही गवर्नमेंट थी, इसलिए कहते हैं सब एक हो जाएं। अब बाप कहते हैं हम और सबका विनाश कराएं। सब एक नहीं हो सकते हैं, लेकिन शिव बाबा और सबका विनाश कराएं। एक आदि सनातन डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रही हैं, तुम भी ऐसे कहते हो ना। सर्वशक्तिमान वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के डायरेक्शन अनुसार हम भारत में एक डीटी गवर्नमेंट का राज्य स्थापन कर रहे हैं। डीटी गवर्नमेंट के सिवाय और कोई एक गवर्नमेंट होती नहीं। 5,000 वर्ष पहले भारत में अथवा सारे विश्व में एक डीटी गवर्नमेंट थी। अब बाप आया है विश्व की डीटी गवर्नमेंट फिर से स्थापन करने। हम बच्चे उनके, अकेला बाबा नहीं करता, हम बच्चे उनके मददगार हैं।
ये राज गीता में है। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, बाबा आते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं और इसमें हम सभी मददगार बनते हैं। तो बाबा ने कहा गीता में भी यह राज है। रुद्र निराकार को कहे जाते हैं, कृष्ण को नहीं कहेंगे। रुद्र नाम ही है निराकार का। बहुत नाम सुन मनुष्य समझते हैं रुद्र अलग है और सोमनाथ अलग है। तो अब एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन होनी है। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना है कि स्वर्ग में तो जाएंगे ही, देखो नरक में मर्तबे के लिए कितना माथा मारते हैं। एक तो मर्तबा मिलता है, दूसरा फिर कमाते भी बहुत हैं। भक्तों के लिए तो एक ही भगवान होना चाहिए, नहीं तो भटकेंगे। यहाँ तो सबको भगवान कह देते हैं, अनेकों का अवतार मानते हैं, अनेक अवतार होते हैं। कहते हैं मैं तो एक ही बार आता हूँ, शिव बाबा कहते हैं मैं तो एक ही बार कल्प में एक ही बार आता हूँ। मैं तो एक ही बार आता हूँ गाते भी हैं, पतित पावन आओ। सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज़्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई नई बातें बाबा समझाते हैं, तुमको नई दुनिया में राजाई मिलनी है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक ही निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। तो जो जन्म मरण रहित है, मनुष्य तो फिर कह देते हैं वह भी भगवान, हम भी भगवान। बस यहाँ आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू ही तू, तेरी ही रंगत है। हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। हजारों फॉलोवर्स हैं। बाप कहते हैं भक्त भगवान की बंदगी करते रहते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूँ, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूँ। ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, भगवान तो एक ही है। बाप कहते हैं सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं। अब मैं परमधाम से आया हूँ, मैं जो स्वर्ग स्थापन करता हूँ उसमें फिर मैं नहीं आता। बहुत मनुष्य कहते हम निष्काम सेवा करते हैं, परंतु चाहे ना चाहे फल तो जरूर मिलता है। एक शिव बाबा ही निष्काम सेवा करता, वो फल की प्राप्ति नहीं करता है। लेकिन जो भी मनुष्य मात्र इच्छा रखें या ना रखें, लेकिन सबको जो कर्म करता है वो फल प्राप्त होता ही है। दान करते हैं तो फल जरूर मिलेगा ना, तो साहूकार बने हों, क्योंकि पास्ट में दान पुण्य किया है। अब तुम पुरुषार्थ करते हो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना भविष्य में ऊंच पद पाएंगे। अभी तुम्हें अच्छे कर्म सिखलाए जाते हैं। भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए मनुष्य करते हैं, दूसरे जन्म के लिए। फिर कहेंगे पास्ट कर्मों का फल है। सत्युग त्रेता में ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मों का फल 21 जन्मों के लिए अभी तैयार कराया जाता है। संगम पर पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हैं। संगम युग की प्रारब्ध की 21 पीढ़ी अर्थात 21 जन्म चलती है। सन्यासी ऐसे कह न सके कि हम तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बनाते हैं जो तुम 21 जन्म सुखी रहेंगे। अच्छा व बुरा फल तो भगवान को देना है ना, तो एक ही भूल हुई जो कल्प की आयु लंबी कर दी है। बहुत हैं जो कहते हैं 5000 वर्ष का कल्प है। तुम्हारे पास मुसलमान भी आए थे, बोले कल्प की आयु बरोबर 5000 वर्ष हैं। यहाँ की बातें सुनी होगी,
चित्र तो सबके पास जाते हैं, सो भी सब थोड़ी मानेंगे, तुम जानते हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें जिससे यह विनाश ज्वाला निकलती है। इसमें सहज राजयोग सिखलाया जाता है। कृष्ण की आत्मा अब अंतिम जन्म में शिव रुद्र से वर्षा ले रही है, यहाँ बैठी है। बाबा अलग और यह अलग, ब्राह्मण खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं ना, फिर वह आत्मा ब्राह्मण में आकर बोलती है। तीर्थों पर भी खास जाकर बुलाते हैं। अब आत्मा को कितना समय हो गया है, फिर वह आत्मा कैसे आती है, क्या होता है, बोलती है मैं बहुत सुखी हूँ, फलाने घर जन्म लिया है, ये क्या होता है, क्या आत्मा निकल कर आई। तो बाप समझाते हैं, मैं भावना का भाड़ा दे देता हूँ। वो खुश हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में राज है, बोलते हैं तो पाठ चलता है, कोई ने नहीं बोला तो नोंद नहीं है। बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। बाप कहते हैं, मैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ, फिर से मैं परम धाम से पुरानी दुनिया पुराने तन में आता हूँ। ये पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। तत्त्वम, सब ब्राह्मण भी ऐसे ही बनते। तुमको भी बनाता हूँ, पहला नंबर पुरुषार्थी यह है ब्रह्मा बाबा। तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हो, बाप भी कहते हैं, तुम तक नशीन होने का पुरुषार्थ करो। ये जगदम्बा सबको, जगदम्बा सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती हैं सत्युग में। बाबा कहते हैं, घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहाँ वालों से ऊंच पद पा सकते हो। बांधे लिया तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे ना कि इसके लिए कोई उपाय निकालना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। परंतु जब दो चार बार सुने तब तो ख्याल आए ना, तकदीर में होगा तो मानेंगे, तकदीर में नहीं तो बात भी मानते नहीं। पेचीला ज्ञान है ना। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे, मानुष से देवता किए करत ना लागी वार। किसने? एक ओंकार स्ना सत नाम, ये उनकी महिमा है। अकाल मूरत ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते हैं ना, सिंहासन छोड़कर आओ, गीता ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जा रे, तो कौन सा सिंहासन, आकाश से भी ऊपर, सूक्ष्म लोक से भी ऊपर, जिसको परम धाम निर्वाण धाम ब्रह्म में तत्व कहा जाता है, वो है आत्माओं का और परम पिता परमात्मा का सिंहासन अथवा निवास स्थान। तो बाप बैठ समझाते हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, ऐसे नहीं सबके दिल को जानते हो। भगवान को याद करते हैं कि सद गति में ले जाओ। बाबा कहते हैं, मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूँ। ये जो पार्टीशन हुए हैं ये सब निकल जाएंगे। हमारे देवी देवता धर्म के जो हैं उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे थे मीठे हैं देवी देवताएं, उनका फिर सैपलिंग लगाना है। अन्य धर्म वाले जो आते हैं वह कोई सैपलिंग थोड़ी लगाते हैं। आज सतगुरुवार है, बाप कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो तो साथ ले चलो। पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा के साथ नहीं जा सकेंगे। फिर चाहे मखमल की रानी बनो,
चाहे रेशम की रानी बनो, जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा वो वैसा बनेगा। पुरुषार्थ के ऊपर है बाबा तो बनाने आया है, हम बनने वालों के ऊपर डिपेंड करते हैं। वर्षा लेना है तो मेरी मत पर चलो, याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। अच्छा बाप दादा और मीठी मीठी मम्मा के सिक्की लदे बच्चों को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग और सलाम मालेकम। आज बाबा सलाम मालेकम कर रहे हैं हम रूहानी बच्चों की, रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग सलाम मालेकम ओम नमस्ते। मामा की मुरली है मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, आत्मा परमात्मा में अंतर अर्थात भेद। आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सत गुरु मिला दलाल। आदि आदि जब अपन ये शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई। तो ये शब्द सिद्ध करता है आत्मा परमात्मा अलग अलग दो चीज़ हैं, दोनों में आंतरिक भेद हैं, परंतु दुनियावी बातें दुनिया में मनुष्यों को पहचान ना होने के कारण वो ये शब्द का अर्थ ऐसे ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ। परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है, आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर वही आत्मा परमात्मा है, तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं। और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण बहुत दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा से मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग इस अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग चीज हैं। ना आत्मा परमात्मा हो सकती और ना परमात्मा आत्मा हो सकता, आत्मा परमात्मा में मिल एक नहीं हो सकती और ना फिर परमात्मा के रूप में आवरण चढ़ सकता। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलती है, ये बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। सेकंड पॉइंट, मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है इसलिए अति अति मीठा बनना है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भाव। स्पष्टीकरण, ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है, साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे फ्रेंड डे अलग मनाती, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे भी वही है, मदर डे फादर डे एंगेजमेंट डे सब एक ही हैं, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा न कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ, सेवा में एक दो के साथी बनो लेकिन साक्षी होकर साथी बनो, जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। स्लोगन, बेपरवाह बादशाह बन, बेपरवाह बादशाह वह है जिनके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता अथॉरिटी का बैलेंस हो। वरदान है आज का, ब्राह्मण आत्माएं
सुख के समय के ब्राह्मण आत्मे सुख के सागर के बच्चे सुख स्वरूप सुख देवा हैं। जब दुख धाम को छोड़ चले तो न दुख लेना है न दुख देना है, सुख देंगे। सुख देने से दुआएं बहुत मिलती हैं, पुरुषार्थ में ये दुआएं ऐड हो जाती हैं। किसी भी बात में, चाहे कर्म में, चाहे वाणी में, चाहे मनसा में, जब कोई भी सुख देता है तो उसकी मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती हैं। तो सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो। ओम शांति।